कल तक यानी कि हम लोगों ने सेकेंडरी उस साइड्स तक यहाँ पे बात कर लिया था कि सेकेंडरी उस साइड्स कहाँ तक पहुँचा है, नहीं यानी कि सेकेंडरी उस साइड्स के फॉर्म में वो तैयार हो चुका है। अब हमने बात करना है, लास्ट क्लास में ये भी बात किया था कि सेकेंडरी उस साइड्स जो है आपका रिलीज के 24 आवर्स तक फर्टिलाइजेशन कर सकता है, नहीं यहाँ तक हमने बात कर लिया था, शायद हमने लिख भी लिया था। अब इसके बाद की बात करना है सेकेंडरी ओसाइड्स, सर ध्यान से देखिएगा पूरा, बस सेकेंडरी ओसाइड जो है सर वो आपका उसमें सेकेंड मियोटिक डिवीजन तो होने वाला है ना, सेकेंड मियोटिक डिवीजन उसमें प्रोग्रेस रहता है, कौन सा डिवीजन, सेकेंड मियोटिक डिवीजन। सेकेंड मियोटिक डिवीजन उस समय हमारे पास रिलीज हुआ तो उसके बाद आपका सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है, तो पता आपको प्राइमरी हमारे पास बदल के किस में बना था, अब ये चीज़ हमारे पास उस समय प्रोग्रेस में रहता है। अब प्रोग्रेस में रहता है सर जी, तो अब ये चीज़ होता क्या है, जैसे प्रोग्रेस में रहता है तो अब इंतज़ार हो रहा था उस इंसान, उस क्या बोलते हैं शख्स की जो इसको आ करके इसके सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन को क्या करे, कंप्लीट करे। और जैसे इसमें एंट्री मारता है हमारे पास, एंट्री मारता है, जैसे एंट्री स्पर्म की होती है आपका सेकेंड मियोटिक डिवीजन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और जैसे सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा इस, अब सेकेंडरी ओसाइट्स किस फॉर्म में बदल गया भाई, फंक्शनल ओवम, जिसको हम लोग आज एग के नाम से भी जानते हैं, साइंटिफिक नेम जो है एग ही है, ठीक है, कोई शक यहां तक, कोई शक, यानी कि सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन कंप्लीट कब हुआ, सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट कब हुआ, जब स्पर्म इंटर मारा, नहीं यहां तक क्लियर है। अब होगा क्या, स्पर्म की एंट्री हो गई, सेकेंड मियोटिक डिवीजन हमारे पास कंप्लीट हो गया, अब इसके बाद के प्रोसेस है क्या, चीजें याद करिए थोड़ी सी चीजों को, हमने अगर याद आ रहा होगा तो हमने ये बात किया था कि सेकेंड मियोटिक डिवीजन के बाद वाला प्रोसेस क्या होता है, याद आ रहा कुछ, एक बात बताइए, सवाल इससे पूछ रहा हूं, सेकेंड मियोटिक डिवीजन जब हुआ था तो चीजें कुछ फॉर्म हुई थी, क्या फॉर्म हुई थी आप बताइए, सेकेंड मियोटिक डिवीजन जब हुआ था तो किस चीज का फॉर्मेशन हुआ था, दो पोलर बॉडीज एंड वन यूटिड, टू पोलर बॉडीज एंड वन यूटिड, यही था ना, टू पोलर बॉडीज एंड वन यूटिड, एंड यूटिस इज नोन एज द फंक्शनल ओवम, यस नो, यूटिड इज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फंक्शनल ओवम, यस नो, सवाल यहां पे, चलो सर हमारे पास ये फंक्शनल हो गया, यानी कि दोनों चीज हमारे पास आ गई ना, ओवम भी हमारे पास है और जाइगोट भी, स्पर्म भी हमारे पास है। सर स्पर्म जब एंट्री मारा है तो स्पर्म को एक्टिवेट करने के लिए वो कैपेबल कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो ऐसी चीजें होनी चाहिए, मैंने बोला था लास्ट क्लास में कि स्पर्म इनएक्टिव है, अभी बोला था लास्ट क्लास में स्पर्म क्या है, इनएक्टिव है, तो सर आखिर ऐसा क्या चीज होता है जिसकी वजह से वो कैपेबल हो जाता है एक को फर्टिलाइज करने के लिए, ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वो कैपेबल हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। अब स्पर्म को एक्टिवेट करना है ना, तो मैंने याद करिए बोला था कि जो स्पर्म है जैसे ही फीमेल जेनिटल ट्रैक में एंट्री मारता है, फीमेल जेनिटल ट्रैक, अब जेनिटल ट्रैक तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फीमेल जेनिटल ट्रैक में जैसे एंट्री मारता है तो इससे ये कुछ सेक्रेट करते हैं, इसका जो सेक्रेशन है ना, इसके द्वारा कुछ सबस्टांसेस को क्या किया जाता है, सेक्रेट की जाती है, और वो जो सबस्टांसेस सेक्रेट होता है वो क्या करता है, आप स्पर्म की याद करो तो स्पर्म के ऊपर सबसे ऊपर वाला पार्ट कौन सा था, एक्रोसोम, हेड में सबसे ऊपर वाला पार्ट कौन सा था, एक्रोसोम, और एक्रोसोम आपका कवर्ड होता है, एक्रोसोम में हमारे पास क्या होता है, कवरिंग होता है, एक्रोसोम में हमारे पास कुछ कोटिंग सबस्टांसेस होता है, और जैसे ही ये सेक्रेट करेगा ना, इसका सेक्रेशन क्या करेगा, इस पर काम करेगा, और इसके बाहर वाले पर्दे को क्या कर देगा,
हटा देगा, यानी कि कोटिंग सबस्टांस को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। अब जैसे ही कोटिंग सबस्टांस को रिमूव करेगा, यानी स्पर्म का कोटिंग सबस्टांस जैसे ही हटा एक्रोसोम के ऊपर जो प्रेजेंट है, यही वाला था ना हमारे पास, ये वाला कोटिंग सबस्टांस जैसे ही हटेगा तो अब पता है क्या चीज़ होगा, बड़ी शानदार चीज़ होगा। अब इसका जो इसके अंदर रिसेप्टर साइट होता है, रिसेप्टर साइट मतलब वो साइट जो रिसीव करता है मैसेजेस को, रिसीव करने की एबिलिटी रखता है, वहाँ पे वैसे सेल्स होते हैं जो डिटेक्ट कर पाते हैं कि हाँ हम आ गए हैं। नहीं, जैसे वो बाहर वाला फटेगा तो हमारे पास इसके अंदर जो रिसेप्टर साइट होते हैं स्पर्म के अंदर, एक्रोसोम के अंदर, वो क्या हो जाएंगे, एक्सपोज्ड हो जाएंगे। और जैसे एक्सपोज्ड होंगे, वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा, कौन, स्पर्म। यहां पे गड़बड़ मत करिए, किसके ये रिसेप्टर साइट एक्टिव हुए, स्पर्म के। कहां पे थे, एक्रोसोम के सरफेस पे, के अंदर नहीं। ये आपका ओवा क्या बोलते हैं, जेनिटल ट्रैक के सेक्रेशन ने क्या किया, स्पर्म के बाहर वाला जो कोटिंग मेम्ब्रेन था, जो कोटिंग सबस्टांस था, उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो हमारे पास ये समझने की कोशिश करिए ना कि ये हमारे पास एक्रोसोम है, ठीक है, ये ऐसे दिख रहा है। इसके बाहर में हमारे पास क्या चीज़ है, वो लेयर है, ठीक है, जिसको हम लोग कोटिंग सबस्टांस बोल रहे हैं, फिर कोटिंग मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, फिर कोटिंग आपका क्या बोलते हैं, मटेरियल बोल रहे हैं। अब जैसे ही ये सेक्रेशन इस पे काम करेगा, ये चीज को पर्दाफाड़ कर देगा, फटा देगा। अब जरा बताओ, एक्रोसोम आप खुलेआम दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं। तो इसके रिसेप्टर साइट जो है, जो रिसीव करता है मैसेज को, वो सामने दिख रहा है। अब क्या, इसको अब पता चल गया कि भाई हाँ हम ओवम के पास हैं। नहीं, अब ओवम के पास जैसे इसको पता चलेगा, अब ये एक्टिवेट हो जाएगा। और ये इतना आसानी से नहीं होता जितना मैंने आसानी से बोल दिया। 5 से 6 घंटे लगते हैं स्पर्म को एक्टिवेट होने में। कितना, 5 से 6 घंटे लगते हैं स्पर्म को एक्टिवेट होने में। 5 to 6 hours लगते हैं स्पर्म को एक्टिवेट करने में। एंड दैट प्रोसेस इज सेड टू बी कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। अब जैसे स्पर्म एक्टिव हो गया, इसको, इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या, कैपेसिटेशन। याद रखिएगा स्पेलिंग, कैपेसिटेशन का मतलब एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म। कैपेसिटेशन का मतलब क्या हो गया, एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म। यानी पूरी प्रोसेस कैसे हुई है, पूरे तरीके से अगर थोड़ी सी रिवाइज करेगा, लास्ट में मैं रिवाइज करूंगा पूरा का पूरा स्टर्म। कहाँ हुआ था हमारे पास स्पर्म, हमारे पास एंट्री मारा था फीमेल जेनिटल ट्रैक में। फीमेल जेनिटल ट्रैक ने क्या किया, कुछ सेक्रेशन सबस्टांसेस सेक्रेट किया। सेक्रेशन ने क्या किया, एक्रोसोम के बाहर वाले लेयर को क्या कर दिया, हटा दिया। एक्रोसोम जो हमारे पास सबस्टांसेस को हटा दिया, तो हमारे पास उसका जो रिसेप्टर साइट है वो क्या हो गया, एक्सपोज हो गया। नहीं, और ये रिसेप्टर साइट कहाँ था, कहाँ पे, एक्रोसोम के सरफेस पे। नहीं, जैसे ऊपर वाला हटा, एक ये रिसेप्टर साइट को पता चल गया कि भाई हम आ गए हैं ओवम में। नहीं, अब जैसे ओवम में आया तो क्या हुआ, हमारे पास वो एक्टिव हो गया। एक्टिव होने इसको प्रोसेस से क्या बोलते हैं हम लोग, कैपेसिटेशन ऑफ। दोनों ध्यान से सुनिएगा पूरे तरीके से, यहां पे होगा हमारे पास क्या, एक्रोसोमल रिएक्शन। लेकिन एक्रोसोमल रिएक्शन से पहले हमारे पास कुछ अलग चीजें हैं। क्या स्पर्म जो एक्टिव हुआ, एक्टिव स्पर्म को कैपेसिटेड स्पर्म बोल सकते हैं, एक्टिव स्पर्म को कैपेसिटेड स्पर्म बोल सकते हैं, यही बोला ना, स्पर्म एक्टिवेशन को बोला, यस नो, क्लियर है। तो कैपेसिटेड स्पर्म बोल सकते हैं। क्या इसको एनर्जी की जरूरत नहीं है, है कि नहीं है, है। कौन देगा एनर्जी, ओवम से पहले अगर बात करें तो उसके पास कुछ अपना एनर्जी है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स का सेक्रेशन, सेमिनल वेसिकल्स का सेक्रेशन, प्रोस्टेट ग्लैंड का सेक्रेशन। ये तीनों में हमारे पास न्यूट्रिएंट्स ही तो थे, इसके सेक्रेशन में न्यूट्रिएंट्स ही तो थे। और एक्टिवेशन में आपको क्या, ऐसा कोई पल लगता है जहाँ पे आपको एनर्जी की जरूरत ना हो? मरने में भी एनर्जी लगती है और जीने में भी एनर्जी लगती है, तनाव में भी एनर्जी लगती है और आपका रिलैक्सेशन में भी एनर्जी लगती है, लगती नहीं लगती है। तो क्या आपको लग रहा है जो कैपेसिटेड हो रहा है, जो कैपेसिटेशन यहाँ पे हो रहा है, इसमें एनर्जी की जरूरत नहीं होगी, इसको होगी कि नहीं होगी? 5 से 6 घंटा वो मरेगा, मर जाएगा ना बेचारा,
पाँच से छः घंटे मर जाएगा ना बेचारा, तो उसको एनर्जी चाहिए था कि नहीं चाहिए था? तो यहाँ पे वो एनर्जी कहाँ से लिया था? जो उसके अंदर वेसिकल्स थे ना, हमारे पास वेसिकल्स के जो सेक्रेशन थे, जैसे कि हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करते हैं, बल्बो यूरेथर को क्या ऊपर से लिख दें? ऐसा नहीं कि मेरा स्पेलिंग कमज़ोर है, थोड़ा सा टाइम बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और दूसरा चीज़ हमारे पास क्या है? सेमिनल वेसिकल्स। तो इनके जो सेक्रेशन में हमारे पास था क्या? न्यूट्रिएंट्स था। इनके सेक्रेशन में हमारे पास क्या था? न्यूट्रिएंट्स था। और कहीं ना कहीं ये न्यूट्रिएंट्स है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कैपेसिटेशन में, एक इंपॉर्टेंट रोल किया कैपेसिटेशन में। अब कैपेसिटेड जो है, जो स्पर्म है, जो एक्टिवेटेड स्पर्म है, अब जाएगा हमारे पास ओवम के पास। ओवम में आपको पता, स्पर्म में पता है आपको कि स्पर्म लाइसिन होता है। एक्रोसोम में पता है ना सबस्टांस, कुछ हार्मोन्स, कुछ सबस्टांसेज होता है जो क्या करता है उसको, जिसको हम लोग बोलते थे स्पर्म लाइसिन। अब स्पर्म लाइसिन एक कलेक्टिव टर्म्स है, एक क्या है? कलेक्टिव टर्म है। अब जरा देखिए क्या होता है। ए जा बढ़ा दो उसको, थोड़ा सा बढ़ाता हूं। अच्छा पंकज जी हैं, कहिए, कह सकते हैं आप, कह सकते हैं अब आप ना कहिएगा तो क्या आपका मुनवा कहेगा? है ना, गलत बोला। हमारे पास स्पर्म जो है कैपेसिटेड है। अब कैपेसिटेड स्पर्म का मतलब हमें बताने की जरूरत ना है, है ना? स्पर्म क्या है? कैपेसिटेड है। जैसे कैपेसिटेशन उसको बोलते हैं, कैपेसिटेशन का मतलब एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है? और जब जैसे एक्टिवेशन हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं ना एक्टिवेटेड स्पर्म। हम ना कैपेसिटी एक्टिवेटेड ना लेकर के हम लिख रहे हैं कैपेसिटेड स्पर्म, राइट? अब स्पर्म जैसे हमारे पास एक्टिवेट हो गया, सर जी एंट्री मारेगा कहाँ पे? कहाँ मारेगा? ओवम में, पक्का? ओवम में जैसे मारेगा सर, एक्रोसोम में हमारे पास क्या होता है? कुछ केमिकल्स होते हैं। स्पर्म के एक्रोसोम्स में क्या होता है? केमिकल्स होता है। एक्रोसोम क्या करेगा सर? उस केमिकल्स को रिलीज करेगा। एक्रोसोम में जो केमिकल्स होता है उसको क्या करेगा? वो रिलीज करेगा। और रिलीज करने के एज ए रिजल्ट पता है क्या होता है? इसमें से जो जो जितने केमिकल्स होते हैं उसको कलेक्टिव टर्म हम लोगों ने बोला था क्या? स्पर्म लाइसिन बोला था। और ना दिख रहे हो, गड़बड़ा रहा है। एक्रोसोम में हमारे पास जो केमिकल्स होते हैं इसको कलेक्टिव टर्म में हम लोगों ने क्या बोला था? स्पर्म लाइसिन, स्पर्म लाइसिन। अब स्पर्म लाइसिन में हमारे पास तीन चीज होते हैं। पहला पढ़िए तो तनी नामा, पहला हाय आलू रो नहीं दास। पहला पहला जो फॉलिकल्स ग्राउंड सेल्स पे काम कर, ग्राउंड सरफेस पे काम करता है, फॉलिकल सेल्स के ग्राउंड सरफेस पे जो काम करता है, पहला एंजाइम्स का नाम क्या भाई? हाय आलू रो नहीं दास, हाइलुरोनिडेज। इज दैट क्लियर? ये किस पे काम करता है सर? ग्राउंड सबस्टांसेस। किस पे? किसके ग्राउंड सरफेस पे? फॉलिकल। अरे भाई मेरा, हम बोल रहे बतिया बोल रहे तो बोले मैं का बात ही मर ले है पूरा, हम ना बोल रहे हैं। अरे बोलिए ना, नानी जब कहानी सुनाती है ना तो कहते हैं हुकारी भर बेटा, दादा जी कहानी जब कहते हैं तो कहते हैं हुकारी भर, होता ही नहीं होता है। हुकारी का मतलब समझते हैं ना? हामी भरना। ऐसा लगता है वो ये इसलिए किया जाता है कि अगर नानी कहानी कह रही है इधर उधर देख रहे तो ये चेक कर सके कि बच्चा सो गया है या जगा हुआ है। जैसे ही आपके होकारी बंद, कहानी नानी की खत्म। तो वही चीज़ है, हम भी बंद हो जाएंगे। अब जैसे इस पे काम करता है सर, दूसरा हमारे पास होता है, हमारे पास कौन सा?
कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। अब ये जानते हैं क्या करता है कोरोना रेडिएटा, कहीं सुना था क्या? कोरोना रेडिएटा को डिसॉल्व कर देता है। क्या करता है? किसको? कोरोना रेडिएटा। अच्छा, अगला सुमारी कब आ रही है इसके बारे में सोच रहे हैं, चलिए डन। और तीसरा जो होता है सर हमारे पास, जोना लाइसिन होता है। अब तो समझिएगा, नाम से ही पूरा का पूरा, एक इसको एक्रोसिन भी बोलते हैं। और याद आ रहा है थोड़ा सा आपको, एक्रोसिन करके कुछ टैबलेट भी है ना, कोनो ये क्रोसिन, क्रोसिन टैबलेट है, काची की टैबलेट दवाई है, खांसी है जो भी है। एक्रोसिन क्या करता है ना, वो जोना पेलुसिडा को खत्म कर देता है। ये किस पे काम करेगा? जोना पेलुसिडा, याद आ रहा है बड़ा बड़ा बड़े बड़े ये इरेगुलर सेल्स जो ऊपर थे, जोना तो रेगुलर थका है। अरे मोटा वाला जो लेयर था, अच्छा ये वाला था, यानी कि हमारे पास ओवम अंदर है ना। अब जरा यही चीज है ना, बस सर हमारे पास सपोज करो ये ओवम है, उसके बाहर एक लेयर है, इसके बाहर एक लेयर, जरा बताओ तो तनिषा ओवम के जस्ट बगल में कौन सा लेयर होता है? बताइए बताइए जल्दी, मैं जानना चाहता हूँ कि ओवम के बाहर में जो लेयर था उसको मैंने क्या बोला था? पेरिविटलाइन, पेरिविटलाइन स्पेस था, पेरिविटलाइन स्पेस था जिसमें हमारे पास वो क्या था, पोलर बॉडीज था, उसके पहले भी एक था कॉर्टिकल, मारेंगे दांत टूट जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर था कॉर्टिकल। सबसे बाहर हमारे पास क्या था? कोरोना रेडिएटर। इसके बाद हमारे पास क्या था? जोना पेलुसिडा। उसके बाद हमारे पास क्या था? पेरिविटल इन स्पेस। और उसके बाद हमारे पास क्या था? देखो जरा क्या हो रहा है, सबसे पहले हमारे पास ये चीज क्या कर रहा है, फॉलिकुलर सेल्स पे काम कौन कर रहा है? फॉलिकुलर सेल पे काम कौन कर रहा है? हायलुरोनिडेज। ये वाला जो है फॉलिकुलर सेल्स पे काम कर रहा है और फॉलिकुलर सेल्स को हटाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसको अंदर जगह बनाना है। जैसे वहां पे गया उसके नीचे मिल गया एक और लेयर, बहुत मोटा सा लेयर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका, कोरोना रेडिएटा। तो कोरोना रेडिएटा को खत्म करना होगा ना, तब ना जाएगा। सर जी यहां से अगर इस तरह से जाना चाहते हैं हम इधर, तो ये पूरा का पूरा बस्ती को हटाना पड़ेगा ना, सिंपल सी बात है ना। तो हमारे पास क्या कर रहा है यहां पे, कोरोना रेडिएटा को खत्म करने के लिए इसके पास अलग से एंजाइम है, जिसको बोलते हैं हम लोग कोरोना कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स। दूसरी चीज, उसके जैसे अंदर जाते हैं हमारे पास एक थिक लेयर सेल्स होता है, थिक लेयर ऑफ सेल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं जोना पेलुसिडा। अब जोना पेलुसिडा जैसे अंदर जाएगा, जोना पेलुसिडा के लेयर को क्या कर देगा, एंड द होल रिएक्शन इज सेड टू बी एक्रोसोमल रिएक्शन। द होल रिएक्शन इज सेड टू बी एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोमल रिएक्शन को कराने के लिए एक सुटेबल टेम्परेचर की जरूरत है, प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन की जरूरत है, प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन की जरूरत है, प्रेजेंस ऑफ आपका ऑप्टिमल पीएच वैल्यू की जरूरत है। अगर ये सारे के सारे होता है तभी जाके एक्रोसोमल रिएक्शन होता है, वरना नहीं होगा, सिंपल सी बात है। एक चीज याद रखना, एक्रोसोमल रिएक्शन कराने में सबसे जो इंपॉर्टेंट आयन चाहिए वो कैल्शियम आयन चाहिए। और इतना ही नहीं, कैल्शियम आयन अगर ना रहेगा ना तो फर्टिलाइजेशन ना होगा, इतना याद रखना।
इन द एब्सेंस ऑफ कैल्शियम आयन फर्टिलाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस. सिंपल सी बात है, यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ वर देयर विल बी नो मैरिज. यस नो, देयर विल बी नो मैरिज होगा ऐसा. अरे वर मैंने ना समझ रही है, अभी कुछ दिन पहले बताया था, वो टाइटल आया था ना, ब्राइड होता है कि ब्राइडग्रूम होता है, ब्राइडग्रूम होता है, ब्राइड मैंने दुल्हन होता है. एम हमेशा हम कंफ्यूज होते हैं, कोई बड़ी बात ना है. अरे ना सर जी, ये ब्राइडग्रूम होता है ना दुल्हन दुल्हा का. अरे ग्रूम मैंने झाड़ू, हमको याद है ये चीजें. जवान अपने बाहर के चल जाता है, वो करेगा वो दुल्हा है, ठीक है ना, और जो उठाती है वो ब्राइड है. समझ रहे बात, समझ जाइएगा. इतना क्लियर है, ग्रूम मैंने झाड़ू होता है कि नहीं होता है, तो ब्राइड ग्रूम, ब्राइड का जो झाड़ू है उसको ब्राइड ग्रूम बोलते हैं, और झाड़ू कौन, दुल्हा है. इतना क्लियर है. ऐसे इसीलिए तो हमारे पास एगो आता है, एगो हेयर बैंड आता है, एगो हंस बैंड आता है. जो हेयर को बैंड कर दे उसको हेयर बैंड बोलते हैं, और जो हंसना बंद कर दे उसको हंस बैंड करते हैं. सॉरी, जिसका हंसना बंद हो गया उसको हंस, ना 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 गलत बात है. जिसका शादी हो गया देखेगा ना, खाली घर से निकलेगा तो उसका शकल देखना, खाली ऑटोमेटिक आप पकड़ लीजिएगा. है ना, तो जिसका हंसना है बंद हेयर की वजह से, हेयर बैंड के मतलब क्या होता है, हेयर टाइट हो जाएगा, अब हेयर ना फड़फड़ाएगा. तो हस्बैंड का मतलब क्या, उसका एक बैंड हो गया, उसके पास एक लिमिटेशन है. वो जो होता है ना, वो क्या बोलते हैं, ये घोड़ा वाला जो होता है ना, इसे लगाई रहता है दोनों रे, वो वाला फोकस हो गया ना, ना ना क्या बोलते हैं, ना भूतो ना भविष्यते वर्तमान वर्तते, ना इधर ना उधर, सिर्फ सामने, निगाह है सामने, ठीक है. ये चीजें क्लियर है. एक्रोसोमल रिएक्शन खत्म. फर्टिलाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, हाँ ये अगर आयंस की चाहिए तो कौन सा चाहिए, कैल्शियम आयन. एक्रोसोमल रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन सा प्ले करता है, कैल्शियम आयन. कैल्शियम आयन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जिंदगी में कैल्शियम आयन बहुत जरूरत है. लेकिन दूध अभी भी पसंद नहीं आता है, हमें पता है कि दूध में कैल्शियम सबसे ज्यादा पाया जाता है, लेकिन दूध हमें पसंद नहीं होता है, होता है. और कैल्शियम जिंदगी में बहुत जरूरी है, हड्डी को मजबूत करना तो भी जरूरत है, आपका नर्व्स को आपका मसल्स के साथ जोड़ना है तो भी जरूरत है. नहीं, यानी कि हर जगह पे वह दूध पसंद आता है. आप लोगों को पसंद आता है, मैक्सिमम बच्चों को रेटिंग करके देख लो, 10 घरों में जाओ, 10 बच्चों से पूछो, एक बड़ी चीज करता है सर, मम्मी जबरदस्ती वो चीज करते हैं. मैंने अपने क्लासेस में छोटे से बच्चों से बोला, किसको किसको दूध नहीं पसंद है, या फिर जबरदस्ती पीना पड़ता है, तो कुछ बच्चे हाथ उठाए. तो मैंने पूछा क्यों, तो सर जी मम्मी जबरदस्ती ना डांटा लेके बैठ जाती है दूध पीने वाले के लिए. तो मैंने बोला कि मेरे को भी दूध ना पसंद है, मेरे घर जाके आप कंप्लेन करो, आपके घर जाके हम कंप्लेन करते हैं. पैरवी करा देते हैं, बैन कर दीजिए उसको, कोई दिक्कत नहीं है, उसको बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं. अब तो ये सारी चीज़ें होती है. आप लोग को दूध पसंद है ठीक है, अलग बात है, आप लोग अलग लोग हैं, आप लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेचर ही अलग है आपका, पारा गर्म है, पारा गर्म है. अब हमारे पास जो आएगा कॉर्टिकल रिएक्शन, लेकिन कॉर्टिकल रिएक्शन से पहले एक चीज और बात कर लेंगे. जैसे ही यहां पे पहुंचा ना, जैसे ही आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास पहुंचा, अब जरा सुनिए क्या होता है. स्पर्म का प्लाज्मा मेम्ब्रेन एगो बात बताइए, केकरा साथ मिलेगा हो, सिंपल सी बात है, ओवम के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ क्या कर देगा, मिल जाएगा, होगा फ्यूज, होगा फ्यूज होगा ना, ओवम के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होगा. और सर जी ओवम बोले कि सेकेंडरी ओसाइट्स बोले, सेकेंडरी ओसाइट्स बोलते हैं, नहीं सेकेंडरी ओसाइट्स बोल रहे हैं, सेकेंडरी ओसाइट्स के साथ ओके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ स्पर्म का प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो गया, फ्यूज हो गया, जब इसको सुटेबल कंडीशंस मिला तब. अब जैसे फ्यूजन होगा
यहां पे एक वर्ड आता है ओवम का, डिपोलराइजेशन हो जाएगा। और डिपोलराइजेशन है क्या चीज़ है, मैं यहाँ पे एक ही चीज़ समझाऊंगा। डिपोलराइजेशन हमारे पास केमिस्ट्री का वर्ड है, तो वहाँ पे आप समझिएगा, लेकिन डिपोलराइजेशन है क्या चीज़ है मैं यहाँ पे समझाऊंगा। डिपोलराइजेशन की वजह से ही एक ओवम में एक से ज़्यादा स्पर्म एंट्री नहीं मार पाते हैं। यानी कि डिपोलराइजेशन जैसे ही होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ओवम के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जैसे ही डिपोलराइजेशन होगा, पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट कर देता है। अब सर सवाल आता है, सर पॉलीस्पर्मी क्या है? पॉलीस्पर्मी, पॉली का मतलब सर मेनी, और स्पर्मी का मतलब स्पर्म, यानी कि पूरा का मतलब हो गया एंट्री ऑफ मेनी स्पर्म इन अ सिंगल ओवम। तो इसको क्या कर देता है, रोक देता है। कौन? जैसे फ्यूज हुआ, आपका ये ओवम का जो है यानी सेकेंडरी ओसाइट्स का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो डिपोलराइज हो जाता है, और डिपोलराइज होने के एज ए रिजल्ट इस पॉलीस्पर्मी कंडीशन को क्या कर देता है, रोक देता है और इंश्योर करता है मोनोस्पर्मी को। यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक एक ओवम के साथ सिर्फ कितना फर्टिलाइज कर सकता है सर, सिर्फ एक। यही चीजें होती है यहां पे, यानी कि इंश्योर्स मोनोस्पर्मी। ये कौन कर रहा है? डिपोलराइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ क्या, ओवम। सेकेंडरी ओसाइट बड़ा दिक्कत लिखता है ना, हो इज दैट क्लियर? कोई शक यहां तक हो गया? ये पूरा का पूरा अब जाके हमारे पास हुआ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल से पहले वाली चीज, यानी एक्रोसोमल रिएक्शन। अब इसके बाद बात करेंगे हम कॉर्टिकल रिएक्शन के बारे में। तो आपको थोड़ी सी अगर याद आ रहा होगा, अगर से थोड़ी सी आपको याद आ रहा होगा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओवम के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लेयर में एक पूरा का पूरा लेयर था, किसका? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के साथ। जैसे ही एक्रोसोमल रिएक्शन हो जाता है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, यहां पे फिगर बनाना पड़ेगा। आपने अभी बात किया कि क्या कर रहे हैं, तो सुनिए क्या कर रहे हैं। कुछ रिश्तों को जोड़ रहा हूं, कुछ उलझनों को तोड़ रहा हूं। कुछ रिश्तों को जोड़ रहा हूं, अपने उलझनों को तोड़ रहा हूं, और जिंदगी के सार को निचोड़ रहा हूं, और खुद को अपने लक्ष्य की तरफ मोड़ रहा हूं। समझ में आई बात? हमेशा मोटिवेटेड रहिए। तो चीज़ें हमारे पास क्या थे, मैंने बोला कि आपको कि ये जो चीज़ें हैं सर, अभी कॉर्टिकल रिएक्शन बात कर रहे थे। क्या होता है कि हमारे पास ये जो चीज़ें, हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अगर आप फोकस करिएगा तो ये वाला जो नीचे वाला लेयर है, हमारे पास ओवम का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेकेंडरी ओसाइट्स का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस आपको दिख रहा होगा। और आप नोटिस करिएगा कि सेकेंडरी ओसाइट्स में हम लोगों ने ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स में, कॉर्टिकल रिएक्शन में यही बात किया है। क्या बात किया भाई? तो ज़रा आप, जैसे मैंने बोला कि आपका जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि हमारे पास स्पर्म का प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे ही आपके इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करता है, ओवम के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करता है, तो क्या होता है, यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे जो बीनिथ में हमारे पास ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, ये सारे के सारे क्या है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है। तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, हमारे पास फ्यूज हो जाते हैं किसके साथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाते हैं तो क्या करते हैं, अपना जो सेक्रेशन है, अपना जो एंजाइम्स है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टिकल एंजाइम्स, ये कॉर्टिकल एंजाइम्स हमारे पास क्या करते हैं, ये जोना पेलुसिडा वाले लेयर में, यानी कि जोना पेलुसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में क्या करते हैं, रिलीज करने लगते हैं। इसके रिलीज करने का पीछे का रीजन क्या है, मैं आपको बताता हूं। ये रिलीज जैसे ही करता है, ये आपके जोना पेलुसिडा वाले लेयर को क्या कर देता है, आपका हार्डन कर देता है। क्या कर देता है? हार्डन कर देता है। हार्डन करने का फायदा क्या है कि ये जो जब हार्डन हो जाएगा तो एक्स्ट्रा एडिशनल आपका स्पर्म एंट्री नहीं मार पाएगा, एडिशनल स्पर्म एंट्री नहीं मार पाएगा, और जब एंट्री नहीं मार पाएगा तो आगे वाले प्रोसेसेस नहीं होंगी। इतना तो क्लियर है चीज़ें, यानी कि हमारे पास ये क्यों आपका रिलीज करता है, इसको हार्डन करने के लिए। उसके बाद की अगर बात कर रहे हैं तो जरा ध्यान से सुनिएगा कि जैसे स्पर्म आपके ओवम के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आने की कोशिश करता है, तो जैसे स्पर्म आपका ओवम के यानी कि सेकेंडरी ओसाइट्स के जिस पॉइंट पे आता है, उस पॉइंट पे हमारे पास एक चीज का फॉर्मेशन करता है जिसको हम लोग बोलते हैं
कोन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन, फर्टिलाइजेशन कोन या फिर कोन ऑफ रिसेप्शन। यहां पे जैसे ये चीज होता है फॉर्म करता है तो उसको रिसीव कर लेता है कौन, स्पर्म। उसको क्या करता है, स्पर्म रिसीव कर लेता है। जब स्पर्म रिसीव करेगा तो पता है क्या करेगा, आपको पता है कि स्पर्म में हमारे पास प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स होता है, और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स क्या होता है, वो डिवाइड होगा। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स क्या होगा, डिवाइड होगा, यानी हमारे पास जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स है ना, ये क्या होगा, डिवाइड होगा, और डिवाइड होके हमारे पास कितना क्या चीज बनेगा, टू सेंट्रियोल्स बनेगा। क्या बनेगा, टू सेंट्रियोल्स बनेगा। और टू सेंट्रियोल्स का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीजन बता रहा हूं। यहां पे सेल को डिवाइड करना है, यहां पे सेल को क्या करना है, डिवाइड करना है। और जब सेल डिवाइड करना है तो उसके पीछे का रीजन क्या है कि सेल के डिवाइड करने के लिए हमारे पास चाहिए आपका स्पिंडल फॉर्मेशन होना चाहिए, और स्पिंडल फॉर्मेशन होता है माइटोटिक डिवीजन से। तो जब यानी कि हमारे पास इसका मेन मकसद है टू जनरेट माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन, और वो भी क्यों, सेल के डिवीजन के लिए। तो सेल के डिवीजन के लिए आपका क्या होना चाहिए, वहां पे स्पिंडल फॉर्मेशन होना चाहिए, और स्पिंडल फॉर्मेशन होता कैसे, माइटोटिक डिवीजन से होता है। इतना क्लियर है, तो ये सारे चीजें होती है हमारे पास, यानी कि प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स जो हमारे पास इस स्पर्म के पास होता है वो क्या हो जाता है, डिवाइड कर जाता है दो सेंट्रियोल्स में, और दोनों सेंट्रियोल्स हमारे पास क्या होता है, उसका मेन मकसद क्या होता है, ताकि वो स्पिंडल फॉर्मेशन को जनरेट कर पाए, और वो भी आपका कौन सा, माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन को जनरेट कर पाए, ताकि सेल डिविजन हो जाए। क्यों ये चीजें जरूरी है, क्या ये हमारे पास स्पर्म ओवम के स्पिंडल, ये क्या बोलते हैं, ओवम के प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स में नहीं होता है, ये चीज नहीं हो सकता है। तो सवाल सरकार ध्यान रखिएगा, स्पिंडल फॉर्मेशन आपकी बात करें जहां पे तही वही होगा जहां पे सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि फीमेल गैमेट दैट इज ओवम में हमारे पास कोई नहीं होता है, यानी कि सेकेंडरी ओसाइट जो मैमेलियन सेकेंडरी ओसाइट्स में कोई प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स नहीं होता है, कोई सेंट्रियोल्स ही नहीं होता है जहां से ये चीजें हो सके। तो इसीलिए यहां पे मदद लेनी पड़ती है किसकी, स्पर्म की। इज दैट क्लियर। यहां पे जैसे चीजें हो गई, अब आप बात करते हैं आगे चीजें होती क्या है। ये सारी चीजें जब हो गई तो आपका क्या होगा कि हमारे पास प्रेजेंट है किसको, स्पर्म। अब स्पर्म का क्या होता है ना कि बड़ा जबरदस्त लोचा होता है, पता है क्या, स्पर्म का जो ऊपर वाला लेयर होता है, जो न्यूक्लियस होता है ऊपर, न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है, हेड में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस जो हेड में प्रेजेंट होता है, जैसे जैसे आगे बढ़ता है ये चीज़ें क्या होता है, अपने दो चीज़ों को छोड़ देता है पीछे, दो चीज़ों को छोड़ देता है। यहाँ पे हम बात करें कैरियोगैमी की, तो क्या होता है कि जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ता है ना, तो ये आपका जो न्यूक्लियस होता है आपका डिवाइड करेगा। न्यूक्लियस क्या होगा, आपका आ जाएगा इसके अंदर। अब हमारे पास यहाँ पे मिलना है ना भाई मेरे, इसके न्यूक्लियस के पास मिलना है ना, तो अब यहाँ पे तो आ गया, तो ये क्या करता है ना, ये अपने मिडिल पीस को और टेल को छोड़ देता है पीछे, मिडिल पीस और टेल को क्या करता है, पीछे लीव कर देता है। अब जैसे पीछे लीव करेगा हमारे पास, अब सवाल आता है कि सर जी ये चीज़ कैसे होता है, कैसे लीव करेगा। तो अब जरा जैसे यहाँ पे आया ना, तो इसकी जरूरत है, इसका मैंने पहले भी बात किया था कि इसका काम है मूवमेंट करना, लोकोमोशन करने में मदद करता है। तो ये आपका टेल की जरूरत नहीं है, अब मिडिल पीस को भी छोड़ देता है। अब जैसे मिडिल पीस और टेल को, टेल सेपरेट हो जाता है, इसको अब हमारे पास जो न्यूक्लियस बना, अब उसको बोलते हैं मेल प्रो न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे, मेल प्रो न्यूक्लियस। यहाँ पे दिख रहा है मेल प्रो न्यूक्लियस। अब मेल प्रो न्यूक्लियस जो है, अब क्या होता है, आगे बढ़ेगा मेल प्रो न्यूक्लियस, आगे बढ़ेगा। यानी कि मेल प्रो न्यूक्लियस कब बनना है भाई, जब आपका स्पर्म का आपका मिडिल पीस और टेल जब आपका पीछे रह गया, सेपरेट हो गया उससे, तब जाके हमारे पास बनता है मेल प्रो न्यूक्लियस। जो कि न्यूक्लियस हमारे पास प्रेजेंट है वो हमारे पास बन गया आपका मेल प्रो न्यूक्लियस, यानी हेड वाला पोर्शन रह जाता है। दूसरी चीज, अब ये मेल प्रो न्यूक्लियस बढ़ेगा किसकी तरफ, आगे की तरफ। और इतना ही नहीं, अब हमारे पास ओवम होगा ना, ओवम जैसे ही होगा, अब ओवम हमारे पास क्या होगा, वो भी बन जाएगा हमारे पास फीमेल प्रोन्यूक्लियस। लेकिन इसके बीच में की कहानी एक है,
कि जैसे हमारे पास ये सेकेंडरी ओसाइट्स में हमारे पास प्रेजेंट सेकेंडरी ओसाइट्स हमारे पास क्या करता है, सेकेंड मियोटिक डिवीजन वहां पे स्टॉप रहता है, सस्पेंडेड रहता है। तो स्पर्म की जैसे एंट्री हुई, वो इन्हें स्टिमुलेट करता है कि भाई जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन सस्पेंडेड था, वो तू जल्दी से जल्दी कर ले। और जैसे ही कर लेता है आपका यहाँ पे अब बन गया हमारे पास क्या, मेल फीमेल प्रोन्यूक्लियस, कौन, फीमेल गैमेट यानी कि दैट इज ओवम, सेकेंडरी ओसाइट्स, अब बन गया क्या, फीमेल गैमेट दैट इज ओवम। ओवम हमारे पास क्या बन गया, अब हमारे पास वो क्या बन गया, फीमेल प्रोन्यूक्लियस। अब दोनों के दोनों क्या होता है, एक दूसरे की तरफ आता है। अब दोनों के दोनों जब एक दूसरे के पास आएगा तो इसके जो न्यूक्लियर के बाहर वाला जो मेम्ब्रेन होता है ना, वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। क्या होगा, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, खत्म हो जाएगा। यानी कि दोनों के न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होता है, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाला बाहर वाला लेयर क्या हो जाता है, खत्म हो जाएगा। इसका भी न्यूक्लियर वाला मेम्ब्रेन और इसका भी, हमारे पास दोनों का दोनों क्या हो जाता है, खत्म हो जाएगा। जब खत्म हो जाएगा तो बड़ा जबरदस्त चीज होगा, अब दोनों के दोनों मरेगा फ्यूज, यहाँ पे मिक्सिंग हो जाएगी, किसकी, इसके क्रोमोसोम्स का मिक्सिंग हो जाएगा। और क्रोमोसोम का मिक्सिंग होना और कैरियोगैमी का कहलाना, दोनों बातें की है। यानी कि जैसे क्रोमोसोम का मिक्सिंग होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं आपका क्या, कैरियोगैमी या एम्फेमिक्सिस, एम्फेमिक्सिस या फिर कैरियोगैमी। क्या हो रहा है, जब आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपका डिसइंटीग्रेट हो जा रहा है दोनों का, तो दोनों आपस में आके मिल जाता है, और मिल जाता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं एम्फेमिक्सिस या फिर कैरियोगैमी। अब कैरियोगैमी, अब हमारे पास क्या बन गया, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट जो बना उसमें हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स है, 46 क्रोमोसोम्स है, यानी कि कुछ मेल का कुछ फीमेल का, 23 मेल्स का 23 फीमेल्स का। अब 46 क्रोमोसोम्स लेकर के उसके पास क्या होता है, अब कहा जा सकता है भाई मेरे कि वो माँ प्रेग्नेंट हो गई है। प्रेग्नेंट कब कहा जाएगा, जब ये चीजें हो जाएगा। अब दूसरी चीज ध्यान से सुनना, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, 46 क्रोमोसोम्स के साथ अब हमारे पास अब जा रहा है, यानी कि स्पर्म की एंट्री ही हमारे पास जाइगोट की स्टिमुलेशन कर रहा है, दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात ध्यान रखना कि यहां पे स्पर्म का काम सिर्फ एग को एक्टिवेट करना नहीं है, एगो को एक्टिवेट करना नहीं है, उसका काम यह भी है कि वो डीएनए को भी कैरी करे। यानी कि पहले हम लोगों ने बात किया था फीमेल गैमेट, ये फीमेल जेनिटल ट्रैक के सेक्रेशन ने क्या किया था, ये इसको एक्टिवेशन किया था, किसको, स्पर्म को। अब एगो को एक्टिवेट कौन कर रहा है, आपका स्पर्म कर रहा है। यानी कि स्पर्म का दो काम, पहला एक्टिवेशन कराना एग का, एक्टिवेट कराना, दूसरा डीएनए को कैरी करना। नहीं, दोनों डीएनए का कैरी करना। अब हमारे पास पूरा का पूरा प्रोसेस हो जाता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और ये फर्दर डिवीजन के लिए आगे चल जाता है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा था हमारे पास फर्टिलाइजेशन। हाँ सही बात बोला, अरे सरकार, एआरएस दिल की धड़कन है जो हमेशा हृदय की अंतरात्मा में आपके भी और हमारे भी और जो देख रहे हैं उनके भी दिल में धड़कता रहेगा। सो धन्यवाद, इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे, स्टे हेल्दी, स्टे लाइव, स्टे हैप्पी फॉरएवर, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, व्यस्त रहे और यूं ही मुस्कुराते, तब तक के लिए दुआ सलाम, जय हिंद, वंदे मातरम, शुभरात्रि, शबा खैर।